गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज डेली करेंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 31 अगस्त से संबंधित जितने भी हमारे टॉप इवेंट्स हैं, टॉप न्यूज़ हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसानों को ऑनलाइन जे फॉर्म देने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो ऑनलाइन जे फॉर्म देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड, हमारा आंसर हो जाएगा कि किसानों को ऑनलाइन जे फॉर्म जारी करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब है। ठीक है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। किसानों को अब अपनी सभी फसलों को बेचने के बाद ऑनलाइन जे फॉर्म देने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया है। सभी फसलों को, फिर जब एक तरीके से पंजाब की सरकार ने प्रयोग के रूप में गेहूं के फसल के लिए पहले इसने ऑनलाइन जे फॉर्म जारी किया था और ये जो प्रयोग था काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ, तो उसको देखते हुए वहाँ की सरकार ने सभी फसलों को बेचने के बाद ऑनलाइन जे फॉर्म जारी करना शुरू कर दिया। तो इसका फ़ायदा फ्रेंड क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा जो पंजाब के किसान हैं जब अपनी फसलों को बेचेंगे तो उनके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि उन्होंने कितनी फसल बेची है, कितने में बेची है और साथ ही साथ उस फसल की क्या क्वालिटी थी, कैसी क्वालिटी थी। इन सब के मुताबिक उनके खाते में जो उस फसल को बेचने के बाद जो पेमेंट बनेगी वो सीधा क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यही फ़ायदा होगा ऑनलाइन जे फॉर्म जारी करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर पहला सिनेमा कहाँ स्थापित किया गया है। तो बताइए, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर पहला सिनेमा घर कहाँ पे बनाया गया है, कहाँ पे स्थापित किया गया है। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड, हमारा आंसर हो जाएगा कि लद्दाख में विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर पहला सिनेमा स्थापित किया है। इसके बारे में देख लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में समुद्र तल से करीब 11,562 फीट की ऊंचाई पर पहला मोबाइल सिनेमाघर स्थापित किया गया है। तो विश्व की जो सबसे अधिक ऊंचाई पर पहला सिनेमाघर कहाँ पे बनाया गया, लद्दाख की राजधानी लेह में। कितनी ऊंचाई पर है ये, समुद्र तल से करीब 11,562 फीट की ऊंचाई पर है। यह विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर पहला सिनेमाघर बना है। अब सिनेमा घर है तो कोई मूवी भी लगेगी, तो पहली पिक्चर कौन सी है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो पहले दिन सिनेमा घर में चांगपा खाना बदोस पर आधारित फिल्म जिसका नाम है सैकुल को प्रदर्शित किया गया। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, मेन इम्पॉर्टेंट क्या है, ये चांगपा जो खाना बदोस जनजाति हैं उस पर जो आधारित फिल्म बनी थी वो सैकुल थी, उसी सैकुल फिल्म को इस सिनेमा घर में प्रदर्शित किया गया। थोड़ा सा चांगपा के बारे में देख लेते हैं। जो चांगपा, जिन्हें हम चांपा भी कहते हैं, वो तिब्बती मूल का एक बंजारा मानव समुदाय है जो भारत के लद्दाख क्षेत्र के चांगथंग इलाके में बसते हैं। तो फ्रेंड, आपसे प्रश्न ऐसे भी कर सकता है कि चांगपा जो बंजारा मानव समुदाय है वो भारत के किस राज्य में है, तो आपके सामने कुछ विकल्प दे देगा। तो आप देखिएगा, लद्दाख क्षेत्र में ये चांगपा जो है, जो कि तिब्बती मूल के बंजारा समुदाय है, वो लद्दाख में रहते हैं। लद्दाख में भी कहाँ, तो चांगथंग इलाके में। ये जो पहल की गई है ये मैटर करता है किसके द्वारा, तो ये जो पहल की गई है वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे ड्रामा ने की है। तो इम्पॉर्टेंट ये भी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना संगीत नाटक द्वारा उसकी एक इकाई के रूप में वर्ष 1959 में की गई थी। तो इसकी स्थापना जो पहले जो है ये संगीत नाटक के द्वारा अपनी एक इकाई के रूप में 1959 में किया गया था, स्कूल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ठीक है, दिल्ली में है। और फिर जाकर के आगे चल कर के 1975 में यह एक स्वतंत्र संस्था बन गई, यानी कि संगीत नाटक से इसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। और फिर उसके बाद तथा इसका जो पंजीकरण है वो 1860, फ्रेंड यहाँ पे 60 होना चाहिए था, 1860 ध्यान रखेगा, 1860 के सोसाइटी पंजीकरण के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में किया गया। तो याद रखिएगा, इसका पंजीकरण कहाँ, किस में है फ्रेंड, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो पंजीकरण है वो 1860 के सोसाइटी पंजीकरण के अंतर्गत किया गया और उसके अंतर्गत ये स्वायत्त संस्था के रूप में है। इसको जो वित्त पोषित किया जाता है वो, यह संस्था जो है वो संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया, इसके बारे में आप देख लेना।
चांगपा जो जनजाति है, जो खानाबदोश समुदाय है, इसके बारे में देख लेना, और बाकी ये तो आपका डायरेक्ट फैक्ट्स है ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, ठीक है। ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, भूपेंद्र यादव, नरेंद्र सिंह तोमर, अश्वनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो फ्रेंड हमारा आंसर हो जाएगा कि ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा की गई, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 27 अगस्त 2021 को ब्रिक्स की 11वीं बैठक की अध्यक्षता किया, ठीक है, ब्रिक्स की। और ये जो बैठक हुई थी फ्रेंड वर्चुअली हुई थी, जिसमें देखा जाए तो ब्राज़ील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के कृषि मंत्रियों ने वर्चुअली इस बैठक में हिस्सा लिया, ठीक है। तो वैसे ब्रिक्स में देखा जाए 5 नेशन है, आपको पता ही ब्रिक्स जो है किससे बनता है, 5 नेशन से, जिसमें ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया और फिर साउथ अफ्रीका हो गया। इस जो ये जो बैठक हुई थी ब्रिक्स की, जो जो कृषि अनुसंधान मंच था उसका जो 11वीं बैठक हुई थी, उसकी जो थीम थी वो थी ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्रो बायोडाइवर्सिटी फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये इसकी थीम थी। इसमें देखिए जाए एक कार्य योजना अपनाया गया, वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि ब्रिक्स देशों के कृषि सहयोग के लिए 2021 से 24 की कार्य योजनाओं को मंत्रियों की बैठक में अपनाया गया। तो ये कार्य योजना क्या है फ्रेंड, बेसिकली इसका विषय क्या होगा 2021 से 24 के कार्य योजना का, ये मेनली होगा खाद्य सुरक्षा के लिए, किसानों के लिए, कृषि जैव विविधता के संरक्षण के लिए, खाद्य और कृषि उत्पादन प्रणाली में लचीलापन लाने के लिए, और साथ ही साथ डिजिटल कृषि समाधान को बढ़ावा देने के लिए इस कार्य योजना को अपनाया गया, जो कि आगे चलकर कृषि के सतत विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि 2021 से 24 की जो कार्य योजना अपनाई गई है वो जो ब्रिक्स कृषि अनुसंधान जो बैठक की गई थी उसी के दौरान अपनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र सिंह तोमर ने की थी, ठीक है। चलिए, भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया, स्मॉग टावर नाम से ही आपको पता चल गया होगा फ्रेंड कहाँ किया गया होगा, जहाँ भारत में सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूटेड जो स्टेट है या फिर हमारा जो कैपिटल है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली। तो फ्रेंड हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन दिल्ली में किया गया, ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दिल्ली में लगातार बढ़ते हुए वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में भारत का पहला स्मॉग टावर स्थापित किया, ठीक है। और ये जो टावर था उसको कहाँ से आयात किया गया है, तो यह प्रौद्योगिकी संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात की गई है, और यह स्मॉग टावर जो है वो 1 किलोमीटर तक की सीमा में हवा को साफ करेगा। तो ध्यान रखिएगा भारत का पहला स्मॉग टावर दिल्ली में स्थापित किया गया है, जो कि प्रदूषण से लड़ेगा, वहाँ के जो प्रदूषण को कम करने में अपना सहयोग करेगा, मदद करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इससे बहुत ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लॉन्च की गई, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब की गई, 15 अगस्त 2014 को, 28 अगस्त 2014 को, 28 अगस्त 2015 को, 24 जून 2015 को। तो फ्रेंड हमारा आंसर हो जाएगा कि इसको लॉन्च किया गया था 28 अगस्त 2014 को इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन इसकी घोषणा फ्रेंड 15 अगस्त 2014 को की गई थी। तो प्रश्न ऐसे भी कंफ्यूज कर सकता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना को कब प्रधानमंत्री के द्वारा उसकी घोषणा की गई थी, ठीक है, चूंकि यहाँ पे लॉन्च किया गया था, ये भी चीज़ मैटर करता है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि वित्तीय समावेशन लाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा की गई, जिसे 28 अगस्त 2014 को क्या किया गया, लॉन्च किया गया, ये चीज़ मैटर करती है, ठीक है। किस चीज़ के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना लाया गया था, वो वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लाया गया था। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, वित्तीय समावेशन क्या होता है, कि देश की ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना, ठीक है, बैंकिंग सेवा के दायरे में लाना ही क्या कहलाता है, वित्तीय समावेशन कहलाता है। और यही उद्देश्य है प्रधानमंत्री जनधन योजना का, जिसको कब लॉन्च किया गया, 28 अगस्त 2014 को। घोषणा कब की गई थी, 15 अगस्त 2014 को, ठीक है। ये देखा जाए तो
ये प्रधानमंत्री का पहला था जब उन्होंने जस्ट उस समय उनकी सरकार बनी ही थी, नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी की सरकार आई थी और उन्होंने इसका सबसे पहले उन्होंने इस योजना को लागू किया था। वर्तमान में इस योजना के तहत बैंक खातों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई फ्रेंड, 43 करोड़ हो गई है, जिसमें कुल जमा 1.46 लाख करोड़ है। ठीक है, कितने करोड़ है, 1.46 लाख करोड़ है। कितने खाते इसमें इस समय खुले हैं, इसके अंतर्गत 43 लाख करोड़। देखा जाए तो इस योजना को इस 7 वर्ष भी पूरे हो गए हैं और जिस उद्देश्य से ये बनी है वो धीरे धीरे अपने काफ़ी करीब आ रही है, काफ़ी सफलता पा रही है। इसी को देखते हुए लगातार ये चर्चा में बनी हुई है। तो थोड़ा और भी जो आप प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में थोड़ा और भी पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ये योजना है और मेंस के भी आप जब आंसर लिखोगे तो ये सारी चीज़ें आप पॉइंट वहाँ पर मेंशन कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह देश जहाँ विश्व का प्रथम हवाना सिंड्रोम चिकित्सीय लक्षण रिपोर्ट किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। हवाना सिंड्रोम क्या है, क्या है इनके लक्षण, क्यों इतना, तो जो हवाना सिंड्रोम चिकित्सीय लक्षण रिपोर्ट किया गया है वो कहाँ किया गया है, क्यूबा में, फिलिस्तीन में, ब्राज़ील में या फिर रूस में। तो फ्रेंड हमारा आंसर हो जाएगा क्यूबा में। क्यूबा, क्यूबा की राजधानी फ्रेंड हवाना है। ठीक है, वहीं पे सबसे पहले ये जो हवाना सिंड्रोम जो है उसके लक्षण रिपोर्ट किए गए थे, इसीलिए इस सिंड्रोम का नाम हवाना सिंड्रोम कर दिया गया। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि हवाना सिंड्रोम पहली बार 2016 में क्यूबा में तैनात अमेरिकी राजनयिकों में रिपोर्ट किया गया था। फ्रेंड ऐसा कहा जाता है कि जब वो अपना काम कर रहे थे तो उन्हें अचानक से कोई एक स्ट्रेंज साउंड सुनाई दिया और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उनको कुछ अलग सा एक फिज़िकल सेंसेशन जैसा फील होने लगा और ऐसे होने के साथ उन्हें फीवर आने लगा। और जैसे ही उन्हें फीवर आने लगा तो उनके बॉडी में कुछ सिम्टम्स दिखने लगे। वो सिम्टम्स क्या थे, जैसे उनको सिर दर्द होने लगा, चक्कर आने लगा, थकान होने लगी, चिंता होने लगी, मिचली आने लगी, संज्ञानात्मक कठिनाइयाँ जैसी फील उनको होने लगा और फिर बदलती गंभीरता की स्मृति हानि उनको ऐसा फील होने लगा। तो एक तरीके से ध्यान रखिएगा कि जो हवाना सिंड्रोम के जो लक्षण हैं वो आपके क्या क्या हैं, सर दर्द आना, चक्कर आना, थकान, चिंता, मिचली, ये सारे इसके लक्षण हैं। तो बेसिकली याद रखिएगा कि जो हवाना सिंड्रोम जो सबसे पहले जो ये किया गया था, इसकी रिपोर्ट हुई थी, वो आपके अमेरिकी राजनयिकों में रिपोर्ट किया गया था, वर्ष 2016 में किया गया था। कहाँ, हवाना की राजधानी, क्यूबा की राजधानी जो है आपकी हवाना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि किस खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा T47 में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसने जीता है टोक्यो पैरालंपिक में, शरद कुमार, संदीप चौधरी, निषाद कुमार या फिर मनोज सरकार। तो फ्रेंड हमारा आंसर होगा कि टोक्यो पैरालंपिक खेलों में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में जो रजत पदक जीता है वो निषाद कुमार ने जीता है। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं कि निषाद कुमार ने टोक्यो में पैरालंपिक खेलों में पुरुषों की कूद ऊंची कूद स्पर्धा में T47 में रजत पदक जीता है। ठीक है, तो ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में किसने सिल्वर मेडल जीता है फ्रेंड, वो जीता है आपका निषाद कुमार ने जीता है। फ्रेंड इस प्रतियोगिता में देखा जाए रजत पदक जो सिल्वर मेडल दो लोगों ने जीता है। तो आपसे प्रश्न ये भी कर सकता है, ये भी देख लीजिए कि पहली बात तो ये देख लीजिए कि निषाद कुमार ने 2.06 मीटर की कूद लगाकर एशिया रिकॉर्ड बनाया और दूसरे स्थान पर रहे। अमेरिका के डलास वाइज को भी रजत पदक दिया गया क्योंकि उन्होंने भी 2.06 मीटर की कूद लगाई। तो इस मेडल पे यानी कि जो आपको सिल्वर मेडल मिला है ऊंची कूद स्पर्धा T47 में, वो दो लोगों को मिला। एक तो भारत की तरफ से निषाद कुमार को, भारत भाई भारतीय निषाद कुमार को मिला, और दूसरी जो अमेरिका के जो हैं वो आपके डलास वाइज को भी मिला है। तो इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ था उसमें उन दो खिलाड़ियों के नाम बताइए जिन्होंने ऊंची कूद स्पर्धा T47 में रजत पदक या सिल्वर पदक जीता है। एक आपके भारतीय हो गए निषाद कुमार, दूसरा आपके अमेरिकी हो गए जिनका नाम है डलास वाइज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है चीज़ें, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने पर आधारित भारत का पहला हैकथॉन मंथन 2021 किस संस्था के द्वारा आयोजित किया गया। मंथन 2021 किसके द्वारा आयोजित किया गया और इसका विषय क्या था, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना। चलिए देख लेते हैं,
पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, उपयुक्त ए और बी दोनों के सहयोग से, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। तो फ्रेंड हमारा आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने पर आधारित भारत का पहला हैकाथॉन मंथन जो आयोजित किया गया है वो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो साथ ही साथ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा ब्यूरो दोनों के ही सहयोग से ये आयोजित किया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के सहयोग से मंथन 2021 नामक एक अद्वितीय राष्ट्रीय हैकेथॉन शुरू किया है। तो किसके द्वारा जो मंथन शुरू किया गया राष्ट्रीय हैकेथॉन किसके किसके द्वारा? पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के द्वारा। किसके सहयोग? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा के सहयोग से। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड? इस हैकेथॉन का मूल उद्देश्य है कि देश की खुफिया एजेंसी जैसे फ्रेंड रा होगी, आपकी आईवी हो गई, ये सब खुफिया एजेंसी हैं। तो देश के खुफिया एजेंसियों के सामने 21वीं शताब्दी की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए नवीन अवधारणाओं और प्रौद्योगिकी समाधानों की पहचान करना और इन प्रवर्तन एजेंसियों यानी कि इन्फोर्समेंट एजेंसियों को सशक्त बनाना, तो ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। तो मंथन ध्यान रखिएगा किन दो संस्थाओं के सहयोग से शुरू किया गया, आयोजित किया गया है, तो आपका पुलिस संस्थान अनुसंधान विकास ब्यूरो और साथ ही साथ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। ठीक है, आज का हमारा अगला प्रश्न है कि टोक्यो पैरालंपिक में भाविनी पटेल को किस खेल के लिए रजत पदक से सम्मानित किया गया है? ठीक है, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है, भवानी या आपके भाविनी पटेल, ये किस खेल से संबंधित हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बैडमिंटन से, ऊंची कूद से, गोला फेंक से या फिर टेबल टेनिस से? तो फ्रेंड जो आपकी भाविनी पटेल हैं वो टेबल टेनिस से संबंधित है और इसके लिए इनको टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। ये देख लेते हैं इनके बारे में कि टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविनी पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में रजत पदक जीता है। ठीक है, भारत को टेबल टेनिस में पहली बार कोई पदक दिलाकर भाविनी पटेल ने इतिहास रखा है। यानी कि फ्रेंड इसके पहले टोक्यो पैरालंपिक में किसी भी खिलाड़ी के द्वारा टेबल टेनिस में कोई भी पदक नहीं जीता गया है। भाविनी पटेल ने रजत पदक जीत करके एक इतिहास बनाया है। इसी के साथ साथ देखा जाए तो पैरालंपिक में रजत जीतने वाली यह दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई पैरालंपिक में। इसके पहले भी देखा जाए फ्रेंड पैरालंपिक खेल में दूसरे खेलों के लिए खिलाड़ियों ने रजत पदक जीता था और ये दूसरी महिला बनी है, भारतीय महिला बनी है जिन्होंने रजत पदक जीता है। इसके पहले देखा जाए किसने जीता था तो भाविनी पटेल से पहले दीपा मलिक ने वर्ष 2016 रियो ओलंपिक में गोला फेंक में रजत जीता था। फ्रेंड ये जो खिलाड़ी होते हैं ना वो किस खेल से संबंधित है ये पूछ सकता है। जैसे आपका भाविनी पटेल हो गई किस खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस से। दीपा मलिक हो गई गोला फेंक से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। जैसे निषाद कुमार थे वो किस खेल से संबंधित थे तो वो ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा से संबंधित थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो खिलाड़ी हैं वो किस खेल से संबंधित हैं ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। ठीक है, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली हैं ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर या फिर विद्या बालन? तो फ्रेंड हमारा आंसर है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार विद्या बालन को मिला है। किस फिल्म के लिए मिला है ये चीज़ देख लेते हैं कि विद्या बालन को फिल्म शेरनी के लिए, ठीक है, इनकी अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई थी उसी फिल्म के लिए जिसका नाम है शेरनी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 में पंकज त्रिपाठी को लाट्रोव यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत प्रतिष्ठित डाइवर्सिटीज इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, कौन से डाइवर्सिटीज इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया है? पंकज त्रिपाठी को। ठीक है, और देखा जाए बेस्ट जो अभिनेता हैं इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी देख लेते हैं कि सोराई पुट्टू को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म,
और साथ ही साथ इस फिल्म के जो अभिनेता थे जिनका नाम था सूर्या को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। तो ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विद्या बालन किस फिल्म के लिए? शेरनी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या को किस फिल्म के लिए? सोराराई पटट्टू। और इसी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का भी अवार्ड दिया गया है, किसमें? इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड के। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पंकज त्रिपाठी को भी मिला है अवार्ड, किसके लिए? डाइवर्सिटीज इन सिनेमा अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। तो इस तरीके से हमारे आज जितने भी हम 10 क्वेश्चन को जो MCQs के फॉर्म में लगाते थे हमने उनको कंप्लीट किया। अब आज देख लेते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे में क्या क्या है उसे देख लेते हैं। फैक्ट्स ऑफ द डे में देखा जाए तो फ्रेंड IDFC फर्स्ट बैंक के प्रमुख यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी जो है फर्स्ट बैंक के प्रमुख जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं संजीव चौधरी को बनाया गया है। मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में एक हेल्पलाइन शुरू किया गया है और ये मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है जिसका नाम है सुकून। कहाँ पे किया गया है? ये जम्मू कश्मीर में। कोसोवो देश के नए राष्ट्रपति बने वजोसा उस्मानी सटऊ। ठीक है, सटऊ ये बनाए गए हैं। और ये कोसोवा फ्रेंड जो कंट्री है ये देखा जाए तो आपका साउथ ईस्टर्न यूरोप की कंट्री है और इसका कैपिटल जो है फ्रेंड वो है प्रिस्टीना। ठीक है, प्रिस्टीना है और ये स्मॉलेस्ट बाल्कन नेशन भी है। तो ध्यान रखिएगा क्या नाम है इसका, वजोसा उस्मानी साटियो। इनके नाम भी कुछ ऐसे होते हैं ना कि बोलने में ही दिक्कत होती है। नेक्स्ट है हमारे कि वियतनाम देश के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? फाम मिन्ह चिन्ह। ठीक है, फाम मिन्ह चिन्ह को बनाया गया है, वियतनाम देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। वियतनाम की राजधानी फ्रेंड क्या है? हनोई। एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो GR चिंताल को बनाया गया। ठीक है, तो GR चिंताल को किसका अध्यक्ष बनाया गया है? एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन का। नेक्स्ट है हमारा कि 28 अगस्त 2021 को जलियांवाला बाग स्मारक के रिनोवेटेड परिसर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। जलियांवाला बाग का जो स्मारक था उसको रिनोवेट किया गया है और उस रिनोवेटेड परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर जारी किया गया जिसका है क्या, 14567। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ये सबको पता होना चाहिए। इसको मैंने जानबूझ करके एक तरीके से इसमें मेंशन किया क्योंकि एक लोगों को जागरूक लोग होने चाहिए, अवेयरनेस होने चाहिए, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए उनको कि कौन सी हेल्पलाइन है, कौन सी टोल फ्री हेल्पलाइन है। तो ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो राष्ट्रीय हेल्पलाइन है टोल फ्री नंबर, उसका नंबर क्या है, 14567। HDFC बैंक इंडिया के नए प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं, किसे बनाया गया, हितेंद्र दवे को बनाया गया है। बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है आपका, SV सेथुरमन को। ठीक है, ये जीते हैं बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, SV सेथुरमन को मिला है ये। S3 अवार्ड से बैंकिंग की तकनीकी सक्षम आसानी थीम हेतु पुरस्कृत किया गया है किस बैंक को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किया गया है। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस फ्रेंड 29 अगस्त को मनाया गया। तो ये हमारे फैक्ट्स ऑफ द डे थे। आइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल क्या है आज के। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल में फ्रेंड जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, काकोरी कांड जो हुआ था वो 9 अगस्त 1925 को हुआ था और अब उसे काकोरी कांड नहीं जाना जाएगा बल्कि उसे काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, 2000 साल पुराना कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा से मिला है। ठीक है, 2000 साल पुराना जो कुषाणकालीन स्तूप मिला है कहाँ से, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा से। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो सुल्तानपुर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की योजना बनाई जा रही है, वो बनाई जा रही है कुश भवनपुर। ठीक है, कुश भवनपुर बनाया जा रहा है। उभरते सितारे फंड की शुरुआत कहाँ से की जा रही, उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से उभरते सितारे फंड की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 2 चिकित्सा संस्थानों का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखने का फैसला किया गया। वो 2 जो चिकित्सीय संस्थान उनका नाम क्या है, लखनऊ कैंसर संस्थान और बुलंदशहर गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, तो इन 2 जो चिकित्सक संस्था है उनका नाम अब जो आपके पूर्व
मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, कल्याण सिंह के नाम पे रखा जाएगा। तो ये फ्रेंड आज का हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे था, उत्तर प्रदेश से भी स्पेशल, जितने भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, हमने एक एक करके देखा। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारा आज की जो जितने भी टॉप इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, हमने एक एक करके उनको डिस्कस किया। सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलें, और जो लोग डिसलाइक कर रहे हैं प्लीज़ वो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि उन्हें ये सीरीज़ क्यों नहीं पसंद आई, ताकि हम और इम्प्रूव करें। ठीक है, तो फ्रेंड फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।